हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। आज का जो वीडियो है, मैं टाइमर के ऊपर बना रहा हूँ। टाइमर का जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट टू। मैंने फर्स्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें टाइमर से कंटिन्यूस ऑन ऑफ का जो सर्किट था वो बना के आपको समझाया था। तो नेक्स्ट आज मैं आपको बताऊँगा, जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट है जो आउटसाइड लाइट होती है, या मोटर है आपकी, अगर आपने उसको चलाना है, एक बार आप उसको रन करोगे और उसको आपने आधे घंटे, दो घंटे या सारी रात चलने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ करवाना है, उसके लिए ये सर्किट है। आपकी जो स्ट्रीट लाइट है वो 8 घंटे चलेगी, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर उसे कट करेगा। या जैसे आपकी पानी की टंकी है, उसकी मोटर लगी हुई है पानी वाली, वो जैसे आधे घंटे में भर जाती है, तो आप उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस पर जैसे आधे घंटे में भरती है तो टाइमर आप आधे घंटे के पे सेट कर दोगे, उसके बाद मोटर अपने आप जो है बंद हो जाएगी। तो उसके ऊपर मैं टाइम ये सर्किट बना रहा हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक बार सर्किट डायग्राम मैंने बना ली है, इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर 220 वोल्ट AC हमने ली है, फेज़ और न्यूट्रल। तो दोस्तों इसके बाद हमने ये NC लिया है, ये TNC मतलब टाइमर का NC है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये फेज हमारा टाइमर के NC से होता हुआ यहाँ तक आ गया। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन और R1 NO, R1 मतलब रिले 1 का, NO नॉर्मली ओपन। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये फेज़ इसके थ्रू होता हुआ R1 में आएगा, R1 हमारी लग जाएगी, तो ये हम पुश बटन को छोड़ देंगे और R1 के लगते ही R1 का NO लग जाएगा। NO लगते ही सप्लाई जो 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 है यहाँ से होती हुई ये R1 को और टाइमर को पहुँचेगी और हमारा ये सर्किट ऑन हो जाएगा और LED ऑन जल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जितनी हम टाइमिंग सेट करेंगे, उतनी टाइम के बाद अगर हमने आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी हम टाइम सेट करेंगे, उसके बाद ये टाइमर ऑन होगा और ये जो इसका NC है ये कट जाएगा, ये NO हो जाएगा और हमारा जो सर्किट है सर्किट स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सर्किट है सर्किट वर्क करेगा। तो इसे एक बार हम प्रैक्टिकली बना के भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सामान, ये एक रिले है 220 वोल्ट की, रिले का बेस है हमारे पास, ये इसमें लग जाएगी। ये एक टाइमर है दोस्तों, एक LED लिया है मैंने, ये एक पावर केबल है सिंगल फेज की, तो इससे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कनेक्शन कर लिए हैं अभी, तो एक बार मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ कि कनेक्शन कैसे करने हैं। ये जो पहले तो हमारी रिले है, रिले के जो बेस है, बेस के ऊपर इसके नंबर लिखे होते हैं और ये जो पिन्स हैं इसके नीचे पिन है, तो इस पिन के नीचे आपको दिखेंगे नहीं, छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 13 और 14 नंबर है जो रिले की कॉयल की सप्लाई है, जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है जो रिले को ऑन करेगी, उसकी सप्लाई है दोस्तों। तो ये यहाँ है 13 और 14 लगी हुई। उसके बाद इसका एक NO लिया है, ये NO का नंबर है 12 और 8, ये एक NO लिया है, तो ये NO यूज़ किया है 12 और 8। तो इसे रिले को मैं लगा देता हूँ। अभी एक बार आपको सर्किट समझा देता हूँ। ये हमारी मेन लीड है दोस्तों, ये मेन लीड आ रही है पावर की, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से पहले न्यूट्रल देख लेते हैं। न्यूट्रल देखिए यहाँ पे रिले का, पहले रिले को गई, फिर टाइमर को गई, फिर LED को गई। तो दोस्तों इसी तरह से ये ब्लू वाली न्यूट्रल है, ये पहले रिले को मिली, फिर टाइमर को, फिर LED को। उसके बाद दोस्तों फेज़ हमारा देखिए, ये पहले टाइमर के NC को गया, ये देखिए फेज़, ये टाइमर के NC को हमने दिया 16 नंबर और 15 नंबर से निकाल लिया।
ये देखिए 15, ये हम यहाँ से हमने निकाल लिया और ये गया हमारा सीधा स्टार्ट पुश बटन के ऊपर। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया, ये आ गया स्टार्ट पुश बटन के ऊपर। और साथ ही ये जो हमारा फेज है यहाँ से निकला और R1 के NO के ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये हमारा फेज यहाँ से निकला, ये R1 का R1 की कॉइल को चला गया, ये देखिए R1 की कॉइल, ये कॉइल को चला गया और साथ ही NO को चला गया, यहाँ पे ये NO लगा हुआ, NO को चला गया। तो दोस्तों यही फेज हमारा टाइमर को भी मिला और LED को भी मिला। तो एक वायर हमारी ये चली गई रिले को, दूसरी वायर चली गई हमारी टाइमर को, थर्ड वायर चली गई हमारी LED को। तो दूसरी साइड दोस्तों, ऊपर की साइड का जो एक फेस है वो रिले के NO में है, वो देखिए यहाँ पुश बटन में वायर लगी है, ये 15 नंबर पे कनेक्टेड है, 15 नंबर से एक वायर हमारी NO के ऊपर कनेक्टेड है, तो ये हमारी है होल्डिंग। तो दोस्तों ये थे कनेक्शन इसके, अभी इसको ऑन करते हैं, चेक करते हैं। मैं अभी पावर ऑन करता हूँ, ये मैंने पावर ऑन कर लिया है। इसमें टाइमर में थोड़ी सी सेटिंग है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और चेक करते हैं कि ये अपने आप वर्क कर रहा है या नहीं। ये मैंने ऑन कर दिया, अभी ये अपने आप ऑफ होगा, ये देखिए अपने आप ऑफ हो रहा है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं, जितना आपने टाइम रखना है। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ये मैंने फिर ऑन कर दिया, ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी एप्लीकेशन है उस हिसाब से आप इसकी जो टाइमिंग है सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।